गुड मॉर्निंग, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमें मैंगलोर में सस्ता होटल कहाँ मिल सकता है। नया कॉन्सेप्ट, नए तरीके का होटल, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये मेरे सामने क्लॉक टावर है और ये यहाँ का व्यू है। और आप देखेंगे सामने तो ये यूपी माल्या रोड है और ये इधर जा रहा है और इधर इसके पीछे ईस्ट रेलवे स्टेशन है। इस गली से हम जाएंगे अंदर, इधर रेलवे स्टेशन है। तो अभी हम यहाँ इस घंटाघर के पास, ये जो क्लॉक टावर है इसके पास में ही हमारा होटल है। आप देखेंगे तो ये सामने की गली है, आप देख लें, ये सामने की गली है, ये इस गली में ही हमारा होटल है और बिल्कुल पास में ही है क्लॉक टावर के। और ये इसके साथ में यहाँ पर गांधी पार्क है, आप देखेंगे तो ये गांधी पार्क का व्यू है अंदर का। तो आइए होटल की तरफ चलते हैं और मैं पूरा आपको जानकारी इसका देता हूँ। पूरा वीडियो देखें आप तो आपको अच्छा भी लगेगा और अच्छा एक अलग कॉन्सेप्ट है। बेड स्पेस, ये हमारा होटल है, 499 पर डे। और ये बिल्कुल इसके, ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये सामने ही घंटाघर है, क्लॉक टावर है। इस गली में हम आए हैं, आइए ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं पूरा होटल का एक टूर देता हूँ, हमें सेकंड फ्लोर तक जाना है। यहाँ हम देखेंगे तो लॉन्ड्री है, कॉफ़ी कैफ़े का है, गर्म पानी है, वाईफाई है और ये पूरा एसी है, लग्जरी टाइप है। और 300 मीटर पे ही ये इसके घंटाघर के पास ही है, क्लॉक टावर के पास ही है। बेड स्पेस, लग्जरी एसी, प्राइवेट डॉर्मेट्री। आइए ऊपर चलते हैं रिसेप्शन पे। और ये रिसेप्शन, यहाँ नंबर भी दे रखा है, ये आप देख लें। और ये भाई साहब आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्या नाम आपका? भास्कर। भास्कर भाई, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ आप बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी होता है ना? हाँ, ऑनलाइन भी होता है। ओके, मेक माई ट्रिप और booking.com से भी हो जाता है और डायरेक्ट भी आके यहाँ से 499 में डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हो और बुकिंग करके आप आते हो। तो जो भी रेट होता है वो आपको बुकिंग में वहाँ देना होता है। ये पूरा डॉर्मेट्री, आइए ऊपर मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ, बेड दिखाता हूँ, कैसा क्या सिस्टम है। ठीक है भास्कर भाई, थैंक यू, थैंक यू। या आप आते हैं तो आपको एक कम्प्लीमेंट्री ये जूस भी दिया जाता है और ये पूरा यहाँ का हिसाब किताब। आइए रूम में, रूम दिखाता हूँ आपको। यहाँ आते ही आपको एंट्री से पहले शू यहाँ पे रखने पड़ेंगे और फिर यहाँ हमें एंट्री लेनी है। यहाँ हम अंदर आते हैं तो ये यहाँ पे लग रखा है नो स्मोकिंग, साइलेंट आपको रहना है, मोबाइल को भी साइलेंट मोड में रखना है और खाना यहाँ अंदर अलाउ नहीं है। ये यहाँ का अंदर का व्यू आप देखें, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 उधर वो साइड में है ये हमारा। और ये यहाँ आपका टॉयलेट और वॉशरूम का है, WC है और इधर ये शावर लगा हुआ है, 2 इधर है और ये पूरा लग्जरी लुक इसको दिया गया है, ये देखिए आप। और पानी की सुविधा है, ये देखिए आप, RO का वाटर है और 2 इधर है, WC है और ये शावर है। और ये पानी का देखिए आप, यहाँ ये हिसाब है। और यहाँ जैसे मैंने बताया था ये 1 नंबर, 2 नंबर,
तीन और ये चार, इस तरह से चार इधर हैं। अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, आइए। और अभी आपको मैं 7 नंबर रूम दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये पूरा रूम का हिसाब किताब आप देख लीजिए। एक साइड में बेड है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, इधर पंखे का और टीवी के लिए स्विच है, एक और भी लाइट और नीचे की लाइट आप देख पा रहे होंगे। ये लाइट आपके लिए, इस रूम के लिए, बाहर की लाइटें बंद हो जाती हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये टीवी हो गया आपका, और ये यहाँ पर चार्जर के सॉकेट हो गए, और इधर ये इतना जितना बेड है उतना इधर स्पेस है। और नीचे आप देखेंगे ये जैसे की है इसकी, आप देखें ये की है, दो की है, दो की में से ये वाली जो है, ये नीचे जो है ये आपका लॉकर है, आप उसमें भी सामान अपना रख सकते हैं, और नीचे डस्टबिन भी है। और एक इधर कबाट है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। नीचे से इधर से हम खोलेंगे तो ये पूरा इधर एक इसके बेड के नीचे कबाट, और एक ये सामने लाइट के स्विच के ऊपर एक कबाट है, ये आप देखें। तो आप कपड़े वगैरह यहाँ रख सकते हैं अपने, ये जो भी सामान है। इस तरह से ये एक छोटा सा और अच्छा सा रूम हमें यहाँ पे मिल जाता है, और दो एसी लगे हुए हैं, बाकी ये हिसाब किताब है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।